प्रधानमंत्री पूरे देश में मंडी कानून लाना चाहते थे, वही मंडी कानून सुधाकर सिंह ने दबाव देके बिहार में लागू करवाने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री पर। ये बातें उनको खल रही थी जिसके कारण वो चाहते थे कि इस्तीफा दें, तो वो दबाव में इस्तीफा दिए हैं सुधाकर सिंह। कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री का दबाव था राजद पर और वो गठबंधन तोड़ने की फिर लगता है बात कर रहे थे, इसलिए तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह ने उनको दबाव दे के इस्तीफा लिया है। लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अभी कुछ दिनों पहले से ही जब से वह मंत्री बने थे तब से ही वो विवादों में थे, वो अपने बयान की वजह से विवाद में चल रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही वो एक कार्यक्रम में उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था कि जिसके वजह से लगातार कहा जा रहा था कि उन्हें चारों तरफ से घेरा जा रहा था, और आज सुबह में जो सामने खबर आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आखिर क्यों इस्तीफा दिया है, कुछ जानकारी लेने के लिए हम लोग बीजेपी पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि आप लोग पहले से भी कहते आ रहे थे कि अब ज़्यादा दिन तक ये लोग सरकार नहीं टिकने वाली है, या दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, अभी एक महीना भी नहीं हुआ है इन लोगों के सरकार बने हुए और इस्तीफा हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से कहते रही है कि ये बेमेल गठबंधन है और नीतीश कुमार जी उसी भ्रष्टाचारियों के गोद में जाकर बैठे हैं जिसके खिलाफ पिछली बार वो निकले थे। और सुधाकर सिंह जी मंत्री बनने के बाद बहुत बातें सच्चाई से रखी, इसमें दो राय नहीं। उन्होंने जो राज्य सरकार के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो खास करके अफसरों द्वारा किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री आँख बूंद कर पूरे बिहार को लुटवाने का काम कर रहे हैं, उसको उन्होंने इंगित किया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मैं चोरों का सम्राट हूँ और हमारे ऊपर भी चोर हैं, तो उनके ऊपर तो मुख्यमंत्री ही हैं। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को ये पसंद नहीं है कि अफसरों के खिलाफ जो लूट हो रहा है खुलेआम बालू का, आपका दाल शराब के नाम पर और कृषि के नाम पर, तो निश्चित चाहते थे कृषि मंत्री सुधार करना अपने विभाग में। वो नहीं चाहते थे कि यूरिया का कालाबाजारी हो, बिहार में धड़ल्ले से यूरिया की कालाबाजारी हो रही थी अफसरों के द्वारा और होल सेल के द्वारा, तो वो चाहते थे इसमें सुधार करना, कृषि में कुछ सुधार निश्चित रूप से करना चाहते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ऐसा नहीं चाहते थे, उनके खिलाफ अफसर बैठा दिया था। विनोद शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि आप जैसा कि आप बोल रहे हैं कि यह बेमेल गठबंधन थी, नीतीश जी भ्रष्टाचारियों के गोद में जाके बैठ गए थे, आपका कहने का मतलब है कि वो लोग भ्रष्टाचारी, फिर दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि सुधाकर जी अच्छा काम कर रहे थे और नीतीश जी उनको करना नहीं देना चाह रहे थे, यानी कि नीतीश जी पर भी आप सवाल उठा रहे थे, और जब सुधाकर जी जो सवाल उठा खड़ा कर रहे थे उसके पहले बीजेपी के कृषि मंत्री थे, यानी कि भ्रष्टाचार का काम कौन किया? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना कि कोई व्यक्ति अच्छा हो सकता है, भ्रष्टाचारी मैंने नहीं कहा था, नीतीश कुमार जी ने उस दल को कहा था, तेजस्वी यादव को कहा था, और पिछली बार सरकार से इसी आरोप पर हटे थे कि भ्रष्टाचार में ये लोग संलिप्त हैं, ये लोग को जवाब देना चाहिए पब्लिक डोमेन में कि इतनी संपत्ति कहाँ से आई। जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने गठबंधन तोड़ के हमारे साथ आने का काम किया था। और मैं कहा ना कि अभी कालाबाजारी हमारी सरकार में नहीं हो रहा था, अभी कालाबाजारी व्याप्त थी यूरिया की बहुत बड़े स्तर पर, और किसान में काफ़ी मंडी कानून वापस हुआ, आप देखें जो हमारी सरकार में पहले था नीतीश कुमार ने बदल दिया था, प्रधानमंत्री पूरे देश में मंडी कानून लाना चाहते थे, वही मंडी कानून सुधाकर सिंह ने दबाव देके बिहार में लागू करवाने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री पर। ये बातें उनको खल रही थी जिसके कारण वो चाहते थे कि इस्तीफा दें, तो वो दबाव में इस्तीफा दिए हैं सुधाकर सिंह। कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री का दबाव था राजद पर और वो गठबंधन तोड़ने की फिर लगता है बात कर रहे थे, इसलिए तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह ने उनको दबाव दे के इस्तीफा लिया है। अच्छा, गठबंधन तोड़ने की बात हो रही लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं कि उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बोले, चाहे वो कितना बिहार की बर्बादी कर दें, बिहार को कितनों अफसरों से लुटवा दें, उसका कोई अंतर उनको नहीं है, क्योंकि ये उसी दिमाग के हैं कि हम जो चाहे तानाशाही वो चलते रहे। और निश्चित रूप से कोई भी अगर मंत्री सुधार चाहता है, हमारी भी सरकार में हमारे मंत्री उठाते थे, आवाज़ लगाते थे कि देखिए यहाँ कमियाँ हैं, इसमें सुधार होनी चाहिए, तो वो काफ़ी नाराज़ हो जाते थे माननीय नीतीश कुमार जी। तो बिहार में केवल उन्होंने अपना प्रचार किया है सुशासन का। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे मंत्री जी भी इस तरह की आवाज़ उठाते थे और नीतीश कुमार जी गुस्सा हो जाते थे, तो यानी कि आप लोग भी सत्ता में बने रहने के लिए, मतलब उस आवाज़ को ये दबा देते थे सत्ता में बने रहने के लिए, आप लोग फिर से आवाज़ नहीं उठाते थे, यानी कि गलत कर रही है तो हम लोग भी गलत करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने बिहार के विकास के लिए, बिहार में सुशासन के लिए उनका समर्थन किया था,
और हर संभव अरे भाई तो मैं सुधारते थे, हमारे मंत्री अड़ते थे, लेकिन उनका नहीं प्रयास होता था कि हमारे अफसरों पर दबाव बनावें, और उसके लिए तकरार होता था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को शामिल होना पड़ता था, देखते थे कहीं ना कहीं समस्याओं को उठाते थे और दबाव में आकर कोई भी काम करते थे मुख्यमंत्री, तो दबाव में आके ऐसे वो नहीं चाहते थे कि कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, शराब जो बिक रहा है चौक चौराहे पर, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, नहीं चाहते थे कि इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठावे। तो हमने कहीं झुकने का काम किया, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हमने बिहार के हित में झुका, हमारी पार्टी झुकी, हमारे मंत्री झुके हैं, हम लोग कहीं भ्रष्टाचार को सहयोग नहीं किया। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि सुधाकर जी जो नीतीश कुमार जी के जो कृषि रोड मैप है उसके बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था और शायद इसी वजह से ये हो रहा हो। नहीं, मैंने कहा ना कि देखिए नीतीश कुमार कभी भी सही काम नहीं करते थे, मैंने अपने ही काम को बदलने का बार बार प्रयास करते थे। यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को भंग कर दिया था, उसको बीपीएससी में दे दिया था, लेकिन फिर वही यूनिवर्सिटी कमीशन लागू करके एक वैसे डॉक्टर को बैठा दिया जिसको फुर्सत नहीं है एक मिनट जाने का यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में। आप देखिए कि मंडी कानून पहले से लागू था बिहार में, नीतीश कुमार ने उसको बंद कर दिया था, फिर जब दबाव हम लोग भी दे रहे थे नहीं लागू कर रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लागू किया था लेकिन वो नहीं माने और अंततः वो लागू रहा, और उसी बात को सुधाकर सिंह ने उठाया और दबाव में आके वो वापस लेने की घोषणा किए। तो इन्हीं बातों पर कहीं ना कहीं तकरार चल रहा है राजद में, और उनके मंत्री लगातार इस्तीफा देने का काम कर रहे हैं और आगे भी लगता है कि ये काम जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि आप सुन रहे थे कि किस तरह से इन्होंने जिस तरह से अपने मंत्री जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका कहना है कि हम लोग भी आवाज़ उठाते थे लेकिन नीतीश कुमार जी उस आवाज़ को बंद करवा देते थे, और सुधाकर जी अपने आवाज़ उठाने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनका साफ तौर पर कहना है कि सुधाकर जी ने जो काम किया है वो मंत्री जी के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ कर रहे थे और इसी कारण से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, यानी कि गठबंधन तोड़ने की बात कह रहे थे मुख्यमंत्री जी, और इसी कारण से तेजस्वी यादव और जगदानंद जी दोनों मिलकर दोनों ने बात करके उन्हें इस्तीफा देने को कहा। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बताई थी कि चार दिन पहले कृषि मंत्री आरजेडी कार्यालय आए थे, वो अपने पिता से भी मिले, वहाँ पे सभी लोग मौजूद थे, फिर क्या कुछ बातें हुई, फिर तीन दिन बाद इस तरह के इस्तीफे वाली खबर सामने निकल के आती है। चलिए, और भी इसकी कुछ जानकारी हम लोग लेंगे और फिर आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।